मिक्स में 25 तारीख दो दिवसीय मेला चल रहा है आपके सामने प्रस्तुति दे रहे जितेंद्र झुड़ावई मथुरा से और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे भाई रामवीर अकोस आगरा से और पेड़ की झनकार सुन रहे हमारे भैया रामजी बड़ी का राजस्थान से और यूट्यूब रिकॉर्डिंग करता हमारे पंडित रोहतास जनूथर से सुनिए परम सम्मानीय जितने भी चिकनी भजनों के प्रेमी श्रोता बंधु बैठे हुए हैं सभी से पहले सभी के लिए हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार राम राम साहब गाने वाले एक से एक बढ़कर आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे लेकिन कभी ने चाहे लाइनों में लिखा है इस मनुष्य को बार बार चेतावनी दी है प्रभु का भजन कर ले लेकिन सुनिए कभी बार बार चेतावनी दे रहे कैसे क्या जवाब दिया कि जन्म हुआ कि जन्म हुआ तेरी गई जवानी सोए जवानी को सोने में गवा दिया लेकिन जवानी के बाद क्या आता है के प्रति अवस्था जब ले चल ले चल इस मनुष्य को बार बार चेतावनी दी है प्रभु का भजन कर ले लेकिन सुनिए कभी ने लिखा है माँ का इस जग के अंदर कितना ऊंचा दर्जा है भैया फिल्मी दुनिया वालों ने एक गाना निकाला था सुनिए कैसे क्या जवाब दिया तोबा तोबा कैसे तोबा कैसे ना दादिया घुंघरू पायल के एक दिन लेंगे मेरी जान ये घुंघरू पायल के लेकिन कभी ने लिखा है पूरा संसार गुलाम माँ के चरणों में पूरा संसार गुलाम माँ के चरणों में और मिलते हैं मिलते ही चारों धाम माँ के चरणों में मिलते हैं चारों धाम माँ के चरणों में अरे वेदों में भी बतलाया है ऊंचा माँ का दर्जा और दुनिया में कोई चुका सका नहीं माँ के दूध का कर्जा अरे दुनिया में कोई चुका सका नहीं माँ के दूध का कर्जा सेवक बने कृष्ण और राम माँ के चरणों में सेवक बने
कष्ट और लाभ बापे चरणों में मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं चारों धाम बापे चरणों में मिलते हैं चारों धाम। ओरे देखिए, अपने ध्यान को जुटाएंगे। मेरा प्रश्न, इधर में पांचों पांडव शिविर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कल के युद्ध में वो कर्ण हमारे भाई अर्जुन को खत्म कर देगा। पास में भगवान श्री कृष्ण है, आज समझा रहे हैं। भीम का पुत्र, उसका नाम है घटोत्कच, वही आपकी सहायता, वही आपकी मदद कर सकता है। आज वो पांचों पांडव अपने बेटे को याद कर रहे हैं और कैसे, क्या जवाब दिया भैया राम ने? अरे सच्चे दिल से और कोई बुलायो, कैसे याद कर रहे हैं? अरे सच्चे दिल से और कोई बुलायो और बेटा जल्दी आ जाइयो। और हे परिवार, हे परिवार, कष्ट में तेरा आके लाज बचा जाइयो। जो
ज्वाला प्रसाद जी पूर्व सरपंच धरे आशीर्वाद के रूप में। अरे तो समय आवे गो बाबा कोई ना धीर धरे गो और नाती बेटा नाती बेटा नाती बेटा पासन आवे जब हुक्का को लेकिन गाने वाले और उपदेश लगा रहे लेकिन आपके सामने चार लालों के अंदर ये चार लाल छोड़ करके जा रहा हूं। कभी ने लिखा बहुत ही सुंदर शब्दों में भैया रामवीर खेरे कामदेव के ही बस में खेरे कामदेव के ही बस में ये सारी सृष्टि भई कैसी सूरज के बेटा सूरज के बेटा शनि देव की करवी दृष्टि भई कैसे भैया रामवीर ये दो लाइन हुई कामदेव के ही बस में ये सारी सृष्टि भई करी वो काली दृष्टि भई कैसे लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी थी वो काली कृष्ण भई कैसी रावण ने चारों भेद पढ़े बाकी बुद्धि भ्रष्ट भई कैसे पांडवों ने अपने बेटे को याद किया देवी मां की कृपा से हरम्मी को आवास हुआ अपने बेटे को जगाया मात कृपा से वही सूचना एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा मात कृपा से वही सूचना बेटा जाए जगाया है और जानो हाल कुमंड सारो क्रोध बदन में आज्ञा पाए चलो मात की ना विलंब लगायो और जिस समर भूमि में घटोत्कच समर भूमि के अंदर पहुंचा जाकर के अपने परिवार वालों को देखा हाथों को जोड़ा शीश को नवाया क्या पूछ रहा है क्या जवाब दिया भाई अरे तरस कुटुंब को और कियो हरस गयो हिया खुशी बे भारी भैया रामवीर अरे तरस कुटुंब को और कियो हरस गयो और हियो खुशी भयो भारी लयो सब पूसी से नबाई अरे बोली रामला
समय का भाव। अब सुनेंगे गाना जैसा भजन जैसा ही गाना। गाना भी क्या है, हमारी माता बहन बैठी हुई है। कवि ने गाने के माध्यम से लिखा है, हमारे से भारत देश के अंदर ये कितना अत्याचार, ये कितना पाप हो रहा है। जैसे ही गर्भ में लड़की पलती है, जाकर के अस्पताल के अंदर निकलवा देते हैं। लेकिन एक लड़की अपने माँ के गर्भ से रो रो करके पुकार कर रही है, कह रही है माँ मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। क्या करिए भैया रामवीर, सरकार वाले भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन सुनिए कवि लिख रहे हैं कैसे, क्या जवाब दिया। और बने कसाई वो कछु दिल में करर विचार बात क्यों बने कसाई कछु दिल में करर विचार। हेरे रोई रोई धिया कहे रे मैया से, अरे रोई रोई धिया कहे रे मैया से, किस्मत मेरी है दिए। अरे रोई रोई धिया कहे रे मैया से, किस्मत मेरी है दिए। और लड़का पैदा बेटा पैदा, लड़का पैदा कहाँ से होएगा, छोरा पैदा कहाँ से होएगा, जग में रहे न बेटी है। आज वो लड़की कह रही है माँ, हेरे कन्या दान को पुण्य कमाए ले, बने कसाई वो कछु दिल में करोरी बिचार बात को। लेकिन जब इतना तक उस लड़की ने कहा, माँ का कुछ तरस यानी कुछ दया नहीं आई, लेकिन एक बात और कह रही है माँ, एक छोटी सी बात और सुनिए, क्या कह रही है। अरे मोपू जन्म मात तू दे दे, अरे मोपू जन्म मात तू दे दे, तेरो हुक्म निभाऊंगी। हे माँ एक बार इस जग के अंदर आने का मौका दीजिए, ये 51 रुपए का पुरस्कार चतुर्भुज सहसई से दे रहे आशीर्वाद के रूप में। आज वो लड़की कह रही है माँ, अरे मोहपू जन्म मात तू दे दे, ये 51 रुपए का पुरस्कार तुलसी काका जी दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, और ये 51 रुपए का पुरस्कार उत्तम सिंह जी दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। आज ऐसे ही आज वो लड़की कह रही है माँ, एक बार इस जग के अंदर आने का मौका दीजिए। अरे मोपू जन्म मात तू दे दे, तेरो हुक्म निभाऊंगी, और घर को काम करूरी
सब तेरो, घर को काम करूं ही सब तेरो, बड़े बेतक नहीं जाऊंगी। लेकिन जब इस तरीके से उस लड़की ने कहा, माँ को कुछ तरस यानी दया नहीं आई, एक बात और कह रही है, हे माँ एक बात और सुनिए, क्या कर, ये ले रूखा सूखा पेट भरूंगी, हो तो पुनाई हो तो पुनाई करू री लाचार, बात क्यों बने कसाई, हो कछु दिल में करो री चार, बात क्यों हमारे गुरु घनश्याम पटलोनी वालों ने अपनी कलम से लिखा, माँ इतनी भी दयावान होती है, जब माँ ने इतने बच्चों को सुना है, माँ की आंखों में आंसू हुए और क्या हुआ, क्या कर रही है, हेरे करुण पुकार सुनी रे बेटी की, भैया रामीर, अरे करुण पुकार सुनी रे बेटी की, माँ की फटन लगी रे छाती, अरे करुण पुकार सुनी रे बेटी की, माँ की फटन लगी रे छाती। लेकिन माँ क्या कर रही है, अरे लड़का लड़की बेटा बेटी, लड़का लड़की एक बराबर, छोरा छोरी एक बराबर, जग में ना कोई साथी। लेकिन जवाब दिया, तेरे के घन श्याम बाप पटलोनी, तेरे के घन श्याम पिता कन्या के, हो तेरा जीवन, हो तेरा जीवन, हो तेरा जीवन भया बेकार, बात क्यों बने कसाई,